हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण लर्नर्स एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था जो ट्रिगोनोमेट्री के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चंस थे, और अब हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे जो परीक्षे जो मेंस एग्जामिनेशन होता है या पीटी एग्जामिनेशन होता है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आइए क्वेश्चंस पे, जो हमारे पास कंडीशन के रूप में दे दिया गया एक्स इज इक्वल टू ए सेक अल्फा और कॉस बीटा के रूप में दे दिया गया, और वाई इज इक्वल टू, ये कंडीशन है, तीसरा है जेड इज इक्वल टू सी टेन अल्फा, जो हमें पूछा गया है उस कंडीशन पर ही आना है दोस्तों हमें। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या दे दिया गया, एक्स इज इक्वल टू दे दिया गया ए सेक अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो अब हमारे पास जो जरूरत है एक्स बाई ए की, यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तभी आएगा जब हमारे पास एक्स बाई ए आएगा। तो यहां से निकाल लेते हैं एक्स बाई ए, एक्स बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा सेक अल्फा और इंटू कॉस बीटा हमारे पास आ गया। दूसरे कंडीशन में अब आ जाते हैं, दूसरा कंडीशन ले लेते हैं हम। दूसरा कंडीशन क्या है दोस्तों, हमारे पास है बी सेक अल्फा और इंटू साइन बीटा, ये कंडीशन दे दिया गया। देयरफॉर वाई बाई बी हम अगर ले लेते हैं तो देयरफॉर सेक अल्फा आएगा और इंटू साइन बीटा के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब जो क्वेश्चन पूछा गया है उस कंडीशन पर भी आते हैं, एक तीसरा कंडीशन भी आप चाहे तो ले सकते हैं। तीसरा कंडीशन जो दे दिया गया है वो z इज इक्वल टू c और tan अल्फा दे दिया गया, देयरफॉर z बाई c हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा tan अल्फा। तो कंडीशन जो हमें क्वेश्चन के रूप में दिया गया कि क्या किसका वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये कंडीशन आपको दे दिया गया है कि वैल्यू निकालना है। तो इस पूरे का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, तो इस पर स्क्वायर करना पड़ेगा। देयरफॉर हमारे पास इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अल्फा माइनस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा, फिर उसके बाद जो कंडीशन है ये है वाई बाई बी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा माइनस तीसरा जेड बाई जो सी है वो है टेन अल्फा, देयरफॉर इसको आप टेन स्क्वायर अल्फा के रूप में लिख सकते हैं। तो इन दोनों टर्म्स में सेक स्क्वायर अल्फा कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं, सेक स्क्वायर अल्फा हमने कॉमन कर लिया, देयरफॉर अब हमारे पास बच रहा है कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस बच रहा है टेन स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो एंगल सेम होता है उसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों, वन होता है। देयरफॉर यहां पर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू हो जाएगा वन। तो अब हमारे पास आंसर आ गया सेक स्क्वायर अल्फा, ये तो वन ही हो गया, इसको हम लोग लेंगे नहीं। देयरफॉर टेन स्क्वायर अल्फा हम लास्ट टर्म को हमने लिख दिया। अब ये भी फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल अगर सेम है तो इसका वैल्यू होता है वन, यानी वन इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन थ्री इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे दिया गया कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एबीसी के तीन भुजाओं की लंबाइयां हैं, जो छोटी छोटी ए बी और सी है वो तीनों लंबाई है, भुजा की लंबाई है। तो एबीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो किस तरह से दर्शाया जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के संबंध में है, देयरफॉर आपको पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले कंडीशन जो है, पहले फिगर में हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों कि फिगर में क्या दिया गया है। मान लो ये फिगर है, ये अगर आपका ए है, ये बी है, ये सी है, इस साइड का नाम, इस भुजा का नाम ए है, इस भुजा का नाम बी है, इस भुजा का नाम सी है। जब आपके पास कंडीशन आता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बराबर ये दिया जाता है कि ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए दे दिया जाता है, देयरफॉर इसको कंडीशन के रूप में मानते हैं, तब क्या हो जाता है दोस्तों, तो वैसे सिचुएशन में ए बराबर बी बराबर सी होता है। यानी ये अगर जब कभी भी अगर आपको दे दिया गया तो इसका मतलब तीनों क्या हो जाएगा साइड्स, तीनों भुजाएं, तीनों साइड्स बराबर होंगे। तो तब क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो जब समबाहु त्रिभुज होगा तो अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी जो होंगे वो भी बराबर होंगे, तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे और तीनों हो जाएंगे 60 डिग्री के बराबर।
क्योंकि रूल ही होता है जब तीनों एंगल्स बराबर होगा तभी 60 60 60 यानी टोटल मिला करके हो गया 180 डिग्री। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जा रहा है। क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी पूछा जा रहा है। इट मीन्स इसका मतलब यह पूछा जा रहा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री क्या होगा प्लस इसके बाद पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री क्या होगा और फिर पूछा जा रहा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री क्या होगा। तो कितनी बार 60 डिग्री हो गया दोस्तों, ये तीन बार हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 sin² 60 डिग्री। उसके बाद आप लिख सकते हो 3 × 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है, यानी ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि √3/2 का स्क्वायर जब करेंगे हम लोग, यहां पर लिख देते हैं इसको कि साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, तो उसका स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, ये 3/4 हो जाएगा। देयर फोर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9/4, मतलब ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह से जब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे पास टेन और कॉट का वैल्यू 5 दे दिया गया और तब पूछ रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो कंडीशन ले लेते हैं हम लोग कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू क्या दे दिया गया, 5 दे दिया गया। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉट थीटा, और इसको हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, देयर फोर ये 5 का स्क्वायर हो गया। अब ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस इसको आप लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा, फिर इसको लिख सकते हो आप टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, और बराबर क्या हो गया दोस्तों, 25। आपको रूल के हिसाब से पता है कि टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो इस हिसाब से हमें ये वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा और प्लस 2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये 2 × 1 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 25। तो अब आपको जो पूछा जा रहा है टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 25 − 2, मतलब इसका आंसर होगा 23, यानी 23 इसका राइट आंसर होगा, यानी पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये दे दिया गया 5 cos θ और 12 sin θ इज इक्वल टू 13, तो पूछ रहा है इसमें कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए कि करना क्या है, कि आपका कंडीशन दे दिया गया कि 5 cos θ प्लस 12 sin θ दे दिया गया, इज इक्वल टू दे दिया गया आपको 13। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है कि 5 / 12 and 13 ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, यानी पाइथागोरस त्रिक, इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस त्रिक। तो ऐसे में कंडीशन में क्या करेंगे कि जो यहां पर अगर 12 रख दिया जाए, आपको ये कंडीशन पाइथागोरस त्रिक हुआ, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, बराबर ये होता है 13 का स्क्वायर, यानी इसको आप 13 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो। तो इस हिसाब से अगर यही 12 हो जाए और ये 5 हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, वैसे सिचुएशन में दोनों तरफ आप चाहे तो आप डिवाइड कर सकते हो, मतलब अगर यह 5 × 5 हो जाए प्लस यह 12 × 12 हो जाए तो ये बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 13 × 13 होना चाहिए, डेफिनेटली इतना होना चाहिए। तो जब ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये इतना का स्क्वायर बराबर होगा 13 का स्क्वायर, तो वैसे कंडीशन में जब आपको सॉल्व करना हो तो ये लिखा जाएगा 5 × 5/13 और प्लस 12 × 12/13 बराबर, अकेला ये 13 बच गया। तो यानी इसको और इसको, 12 का कोफिशियंट यहां क्या है दोस्तों, साइन थीटा, और 5 का कोफिशियंट यहां क्या है दोस्तों, कॉस थीटा। देयरफॉर अब आपका वैल्यू जो साइन थीटा हो गया ये 12/13 हो गया, और अगर कॉस थीटा अगर लेना हो तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 5/13। ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ, राइट आंसर हुआ। तो हमें पूछा जा रहा था कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 12/13, यानी 4th ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, इसमें दे दिया गया 7 sin²θ + 3 cos²θ = 4, तो पूछा गया आपसे कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर थीटा न्यून कोण है, मतलब एक्यूट एंगल है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करना है आपको, तो पहले कंडीशन लिख लेते हैं
कि 7 स्क्वायर थीटा है प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू दे दिया गया है 4. हमें निकालना है टेन. तो टेन कब निकलेगा दोस्तों, जब हम टेन का मतलब ही होता है कि अगर साइन में अगर हम कॉस से डिवाइड कर दें तो इसका वैल्यू होता है टेन थीटा. यानी अगर इस सब में कॉस कॉस से हम डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ सकता है. तो बिल्कुल इसमें हमने कॉस से डिवाइड कर दिया यानी स्क्वायर है इसलिए कॉस स्क्वायर से करना पड़ेगा. ये भी हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा और बाई में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा. तो अब क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको लिखेंगे 7 टेन स्क्वायर थीटा. ये तो 3 हो गया क्योंकि कॉस से कॉस तो कट गया और इसे लिखा जा सकता है 4 सेक स्क्वायर थीटा. इस 4 सेक स्क्वायर को भी आप चाहें तो अलग कर सकते हैं, टेन में कर सकते हैं. तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है. तो वैसे कंडीशन में एक स्टेप में और लिख दे रहा हूं इसको कि 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 हो गया इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसको 4 और प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा. अब 7 टेन स्क्वायर थीटा में से 4 टेन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो इसका वैल्यू होता है आपके पास टेन स्क्वायर थीटा और 4 में से 3 माइनस होगा तो क्या होगा दोस्तों, 1 होगा. तो वैसे सिचुएशन में जो टेन स्क्वायर थीटा है इसका वैल्यू होगा 1/3. देयरफॉर टेन थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो प्लस माइनस 1/√3 होगा. लेकिन हमें थीटा के बारे में क्या लिखा, थीटा जो है वो एक न्यून कोण है, न्यून कोण है. इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू यानी धनात्मक वैल्यू लेना पड़ेगा. देयरफॉर टेन थीटा का वैल्यू जो होगा वो 1/√3 आंसर होगा. इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा दोस्तों. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं, इन सभी को लेते हैं, तो इस क्वेश्चन में किस रूल पे फॉलो करना है. तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि अगर साइन स्क्वायर ए प्लस अगर साइन स्क्वायर बी, ये हमेशा 1 होगा. कब, जब ए प्लस बी जो है हमारे पास वो 90 डिग्री हो तब. तो अब यहां पर हमें ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री है, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर 2 डिग्री है, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर 3 डिग्री यहां पर नहीं दिया गया है, ये 3 डिग्री दे दिया गया है. तो देयरफॉर अब डैश डैश करके लास्ट में आपको ले गया गया है यहां पर साइन स्क्वायर 89 डिग्री. अब इसे कैसे बनाना है दोस्तों, हमें ये सबसे पहले पता है कि एक है और ये 89 तक गया है यानी 90 तक रहता है तो टोटल 45 टर्म होते, यानी इसमें टोटल कितने टर्म हो गए, उसके आधा 45 होते, यानी टोटल 89 टर्म है इसमें और दो टर्म मिलकर के यह एक लाता है. इसका मतलब इसको अगर नए तरीके से लिखा जाए तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, इसको आप एक साइड में लिख दो. क्यों लिख दो, क्योंकि ए का वैल्यू है यहां पर ए और बी का वैल्यू कितना है 89, दोनों का जो सम हुआ 89 प्लस 1 90 जो कि इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा. उसी तरह से इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 डिग्री और 89 से पहले क्या होता है 88, देयरफॉर साइन स्क्वायर 88 डिग्री ले सकते हैं. और ऐसे ऐसे कितने तक ले सकते हैं, ये 40 टर्म तक ले सकते हैं, यानी 40 टर्म्स तक आप ले सकते हैं और प्लस एक अकेला बीच में बच जाएगा, वो बचेगा 45 डिग्री, क्योंकि 44 तक तो आप 44 ले लिया, 44 ले सकते हैं और दूसरा भी एक ले सकते हैं, इसको 44 ले लो, टोटल 88 टर्म है इसमें, इसलिए 44 टर्म आ जाएगा. तो 44 टर्म ले लिया और एक लास्ट में ये बच गया, टोटल 89 टर्म थे. तो अब क्या होगा, इन सभी का वैल्यू 1+1 यानी इसका वैल्यू 1 फिर इसका वैल्यू 1, इसी तरह 1+1 डैश डैश कितने टर्म तक होंगे दोस्तों, ये जो है 44 टर्म्स तक होंगे. और इसका वैल्यू जो टेन 45 डिग्री है, इसका साइन 45, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, ये होता है 1/√2 और उस पर जब स्क्वायर इस पर रख दिया गया, देयरफॉर इसको क्या कर देगा, रूट को हटा देगा, यानी 1/2 आंसर होगा इसका. तो अब हमें एक को जब 44 बार जोड़ा जाता है तो क्या होता है, ये 44 होता है और उसमें आधा भी जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 44 और आधा मतलब 44 होल 1/2, यानी ये इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ये करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू दे दिया गया है
कॉस थीटा रूट टू, यानी रूट टू इससे मल्टीप्लाई के रूप में दे दिया गया है। तो अब आपको पूछा जा रहा है कि कॉट थीटा क्या है, तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और इज इक्वल टू लिखा गया है रूट टू कॉस थीटा, हमें चाहिए कॉट थीटा। तो पहले कॉस को एक साइड में ले जाते हैं, देयरफॉर अब इसको लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू और कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। यानी अगर इसको हम कॉस थीटा कॉमन कर ले इन दोनों टर्म में तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा रूट टू और माइनस क्या होगा वन, और बराबर क्या बचेगा, ये बचेगा साइन थीटा। अब इसको राइट साइड में ले आते हैं और साइन को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, देयरफॉर अब हमारे पास कॉस थीटा बाई साइन थीटा बच गया, देयरफॉर यह बच गया रूट टू माइनस वन। अब रूट टू माइनस वन को कंजुगेट के रूप में इसको रूट टू प्लस वन लिख सकते हो और नीचे लिख सकते हो आप रूट टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि इसको रेशनलाइज यानी परिमेयकरण कर दिया गया, यानी रूट टू प्लस वन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। तो अब हमारे पास बन जा रहा है कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट टू प्लस वन, क्योंकि इस पूरे का वैल्यू क्या होगा वन। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन होगा, रूट टू प्लस वन, मतलब हमारा फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है कि कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन दे दिया गया, हमें पूछा गया है इसकी वैल्यू क्या है। तो कंडीशन जो दिया गया है, यदि मैं पहले इसको लिख लिया जाए, जैसे अगर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर वन। अब इसको लिखा जा सकता है कॉस एक्स और इज इक्वल टू बराबर में क्या लिखा जा सकता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी अब आपके पास बच गया कॉस एक्स और बराबर इसको लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर एक्स के रूप में। अब हमें यहां पर क्या दिख रहा है कि अगर कॉस अकेला है इसको स्क्वायर करा दें तो ये साइन में चेंज हो सकता है, देयरफॉर आप इसको स्क्वायर कर दो कॉस स्क्वायर एक्स, देयरफॉर ये हो जाएगा साइन का पावर फोर एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया गया। अब क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स के रूप में लिख देंगे और बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन का पावर फोर एक्स। राइट साइड में अब ये जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो ये लिखा जाएगा साइन का पावर फोर एक्स और प्लस ये लिखाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पर पावर फोर है और यहां जो क्वेश्चन में दिया गया है पावर एट है, स्क्वायरिंग कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर ठीक है दोस्तों, तो अब ये हो जाएगा वन का स्क्वायर और इसको लिखा जा सकता है साइन का पावर फोर एक्स प्लस और दूसरा है साइन स्क्वायर एक्स, अगर इसको स्क्वायर कर दें तो अब हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया साइन का पावर एट एक्स, पावर दुगना हो गया, प्लस टू इंटू इसको लिख सकते हैं साइन का पावर फोर एक्स और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और प्लस इसको लिखा जा सकता है साइन का पावर फोर एक्स। देयरफॉर हमारे पास जो अब क्वेश्चन बन के आया कि साइन का पावर एट एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई साइन का पावर सिक्स एक्स, क्योंकि ये पावर और ये पावर दोनों ऐड हो जाता है, ये पावर यहाँ दो है तो दोनों पावर ऐड कर दिया तो सिक्स एक्स हो गया और प्लस साइन का पावर फोर एक्स, इसका वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, वन हो गया, जो हमें पूछा गया था, यानी वन हमारा करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन फोर हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह से जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हमें दे दिया गया कि सेक 330 डिग्री क्या होगा, तो हमें पहले रूल पता होना चाहिए। रूल क्या बोलता है कि सेक अगर 180 डिग्री हो और प्लस थीटा हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका वैल्यू होता है माइनस सेक थीटा। उसी तरह से जब सेक अगर 360 डिग्री दे दिया जाए और उसमें से माइनस थीटा कर दिया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सेक थीटा, मतलब ये पॉजिटिव में होता है सेक थीटा का वैल्यू। अब हमें यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को ले चलते हैं, यह है सेक 330 डिग्री, यानी 360 में से क्या इसको माइनस करेंगे, यानी इसको लिखा जा सकता है सेक, इसको लिखा जाएगा 360 और माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 360 में से 30 माइनस करेंगे तो 330 होगा, यानी अब यह थीटा की जगह काम करेगा तो वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा सेक 30 डिग्री, मतलब सेक 360 माइनस थीटा यानी सेक 360 30 डिग्री, देयरफॉर ये सेक थीटा यानी कि सेक 30 डिग्री।
और सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो कॉस का पहले क्या होता है, कॉस 30 होता है रूट थ्री बाई टू, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2/√3, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसी प्रकार से जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि इसमें पूछा गया कि इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, तो पिछले वीडियोस में हमने इस पर चर्चा भी किया था कि अगर ए साइन स्क्वायर थीटा दे दिया गया हो और बी अगर कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन और कॉस पर डिपेंड नहीं करता है, बस स्क्वायर में होना जरूरी है। अब इसमें से ए और बी जो भी बड़ा छोटा हुआ दोनों नंबर में से, वही बड़ा या छोटा हो सकता है। तो यहां लिखा गया है कि अगर ए छोटा हो गया बी से, देयरफॉर जो मिनिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ए होगा। तो यहां पर ये दो जो है वो हमारा ए है और ये जो तीन है ये हमारा बी है। देयरफॉर जो इसका न्यूनतम मान हो जाएगा, जो न्यूनतम मान के रूप में इसको हम लोग लिखेंगे, तो वो न्यूनतम मान क्या होगा, ए, यानी आंसर टू। आंसर क्या होगा, टू आंसर होगा, यानी ऑप्शन थ्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अब हमें पूछा गया इसमें कि टेन थीटा का वैल्यू क्या है और साइन और कॉस के रूप में यहां पर दे दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग अभी हमने जस्ट देखा था कि अगर मान लो कि अगर आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे दिया गया है, अब इसमें से अगर हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके तब उसको बनाते हैं, जैसे अगर मान लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर हो गया एक तरह से, इसको स्क्वायर करके लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा से लिखा जा सकता है कि इसको आप स्क्वायर ही लिख दो, यानी ए माइनस बी का स्क्वायर और इसको लिख दो 4ab² बराबर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। यानी अब इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस वाले को लिख सकते हैं 2ab और मल्टीप्लाई लिख सकते हैं 2ab, बिल्कुल लिख सकते हैं, तभी ये 4ab² हो गया। और इस वाले को लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्या लिखा जा सकता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ऐसे आप लिख सकते हैं इसे। इन दोनों में से किसी एक को भी आप डिवाइड कर दो, देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाय में लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद ये हो गया 2ab और एक 2ab को लिख सकते हैं हम लोग 2ab और बाई में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया। अब राइट साइड में क्या बच रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करें तो यह दिया गया है क्वेश्चन हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां लिखा गया साइन थीटा और उसके बाद लिखा प्लस 2ab और उसके बाद लिख दिया यहां पर कॉस थीटा और बराबर लिख दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देयरफॉर कॉस थीटा किसके बराबर होगा, जो 2ab बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उसी तरह साइन थीटा किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप लिख लो यहां पर, देयरफॉर साइन थीटा जो आ गया हमारे पास, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाई में हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से जो कॉस थीटा हमारे पास आ गया, ये आ गया 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें पूछा गया है कि टेन थीटा क्या है, अगर साइन थीटा पूछा जाता तो ये आंसर, कॉस थीटा पूछा जाता तो ये आंसर। हमें पूछा गया है टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन थीटा और अपॉन में क्या होता है, कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, ये है, तो वैल्यू डाल दो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाई में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके बाई में कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 2ab और बाई में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों तो कैंसिल हो गया दोस्तों, हमारे पास अब फाइनल रिजल्ट के रूप में आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाई में क्या आएगा 2ab, मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि एक त्रिभुज दिया गया है एक्स वाई जेड, जिसमें बोला कि वाई एक समकोण है और एक्स वाई बोला क्या 2√6 और एक्स जेड और वाई जेड बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है, तो पूछ रहा है कि एक्स सेक एक्स और प्लस टेन एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेंगल बनाते हैं। तो ट्रेंगल बना लिया हमने, तो ट्रेंगल बना लिया, इस ट्रेंगल में जो हमारा एंगल है वो वाई है, तो वाई को यहां पर मान लेते हैं और इसको 90 डिग्री रख देते हैं, इसमें से किसी को भी एक्स रख देते हैं
और दूसरे को जेड मान लेते हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल। अब उसके बाद, अब यहां ध्यान दो दोस्तों, जो हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन के रूप में एक्स वाई बराबर क्या दिया, 2√6, यानी एक्स और वाई इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2√6 डेल दिया यहां पर। अब लिख रहा है एक्स जेड माइनस क्या लिखा, वाई जेड, यानी वाई जेड बराबर क्या, 2, यानी एक्स जेड माइनस वाई जेड, इस दोनों की जो अंतर है वो हमें दे दिया गया है। अब जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है दोस्तों, हमें पता है पिछले दिन हमने चर्चा किया था पिछले वीडियोस में, उस पर एक बार और मैं फोकस कर दे रहा हूं कि सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, अगर मान लो कि यह एक्स है, देयरफोर यह सेक थीटा और माइनस टेन थीटा बराबर ये 1/x होता है, यानी ये उसका उल्टा होता है, यानी इसको आप सेक थीटा यानी कि सेक एक्स लिखा गया है और प्लस टेन एक्स लिखा गया है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/sec(x) माइनस इसको लिख सकते हो आप टेन एक्स, देयरफोर ये हो सकता है 1/, अब जो क्वेश्चन हमारा पूछा सेक एक्स यानी इस एंगल के लिए, सेक एक्स यानी हाइपोटेन्यूस बाय बेस, मतलब इसको आप लिख सकते हो जेड एक्स और बाय में क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एक्स वाई माइनस टेन एक्स। अब इसी टेन एक्स को ले लेते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या है इसमें है वाई जेड और बाई में क्या होगा एक्स वाई, अब एक्स वाई तो ऊपर जाएगा, यानी इसको आप लिख सकते हो एक्स वाई और बाई में क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो जेड एक्स माइनस वाई जेड। अब एक्स वाई का जो वैल्यू है हमारे पास जो कंडीशन के रूप में, ये बराबर में लिख दिया गया है 2√6, और जो एक्स जेड माइनस वाई जेड यानी एक्स जेड माइनस वाई जेड जो लिखा गया है वो है 2 सेंटीमीटर, यानी इसको 2 लिख देते हैं, तो इससे इससे कट गया 2 से 2, देयरफॉर हमारा पास आंसर जो होगा वो √6 हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी हमारा ऑप्शन 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर के रूप में होगा दोस्तों। इसी प्रकार से जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनेंगे कि ये है sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1 है, देयरफॉर पूछा गया है कि sin थीटा और प्लस इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होगा, तो कंडीशन को ही ले लेते हैं। कंडीशन है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 है। अब यहां पर लिख देते हैं इसको वर्ग करने पर, क्यों वर्ग करने पर, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों क्या होता है 1 होता है, इसीलिए हमने साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और फिर इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 2 sin थीटा और इंटू कॉस थीटा बराबर जो आएगा हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा 1, यानी ये 1 हो गया। तो अब हमारे पास इस पूरे का वैल्यू 1 होता है दोस्तों, तो जब इन पूरे का वैल्यू अगर 1 हो जाता है तो यहां पर रख देते हैं हम 1। अब 1 आने के सिचुएशन में इसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर यहां पर 2 ये 1 से 1 काट दो बिल्कुल, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो गया दोस्तों 0, देयरफॉर जो हमारा पूछा गया है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होना चाहिए 0 हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड भी सोच सकते हैं दोस्तों कि दूसरा मेथड कैसे हो सकता है, तो जैसे इसको हम लिख देते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में कैसे आ सकते हैं कि हमारे पास दे दिया गया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 है, तो अगर मान लो कि थीटा बराबर या तो 90 डिग्री ले लो या फिर 0 डिग्री ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, या तो थीटा बराबर आप 0 ले लो या और थीटा बराबर आप 90 डिग्री ले लो, तो चलो यहां पर लिख लेते हैं इफ थीटा बराबर 0 देयरफॉर क्या होगा, साइन थीटा बराबर हो गया 0 और कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 1, तभी यह 0 + 1 यानी इसको क्या लिख सकते थे 0 + 1। तो जो पूछा गया है हमारे पास कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, मतलब ये होगा 0 × 1 यानी फाइनल आंसर 0, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा आपका वही करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि अगर यहां पर अगर ए प्लस ए बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण है, मतलब एंगल्स हैं, तो सबसे पहले एक हम लोग सर्कल खींच लेते हैं, मान लो कि सर्कल ये है, इन सभी सर्कल्स में, इन सभी एंगल्स में किसी भी सर्कल में दिया गया है
यह अगर ए बी सी डी अगर दे दिया गया तो एंगल ए और एंगल सी यानी एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू ये हमेशा 180 डिग्री होता है और एंगल बी प्लस एंगल डी का वैल्यू ये हमेशा 180 डिग्री होता है दोस्तों। बस अब इसी आधार पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये ज्योमेट्री में होता है। तो अब क्वेश्चन हमारा ये बोलता है कि कॉस ए है, फिर उसके बाद ये कॉस बी दे दिया गया है, फिर उसके बाद कॉस सी दे दिया गया है, फिर उसके बाद कॉस डी दे दिया गया है। तो अब हमारे पास जो कंडीशन के रूप में आ रहा है कि मान लो यहां पर से हम एंगल ए ले रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा 180 माइनस सी। उसी तरह से अगर एंगल बी लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 180 माइनस डी। तो अब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 180 डिग्री माइनस सी। उसी तरह से बी वाले को लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, ये होगा 180 माइनस डी जो यहां पर दिया गया है, और उसके बाद प्लस ये लिखा गया कॉस सी और प्लस कॉस डी। तो अब जो वैल्यू आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी रूल जो हमारा कहता है रूल के रूप में, अगर ये साइन 180 डिग्री माइनस थीटा हो तो ये साइन थीटा होता है दोस्तों, लेकिन अगर कॉस 180 डिग्री और माइनस थीटा हो तो इसका वैल्यू होता है माइनस कॉस थीटा। तो अब रूल के अकॉर्डिंग यहां पर ये लिखा जा सकता है माइनस कॉस सी और इसको लिखा जा सकता है माइनस कॉस डी, और प्लस में यहां पर है कॉस सी और प्लस कॉस डी। सब ये कटेगा क्योंकि प्लस माइनस है, देयरफॉर फाइनल आंसर क्या होगा, जीरो, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा बराबर दे दिया और कॉस, यानी थीटा नहीं, यहाँ एंगल अलग अलग है, साइन ए है और कॉस बी है, और यहां पर हमें पूछ रहा है कि टेन के रूप में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे दोस्तों, और ए और बी के बारे में बोला कि वो न्यून कोण है। तो अब हमें सबसे पहले निकाल लेना है कि साइन ए बराबर दे दिया गया है तीन और तीन बटा पांच, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। देयरफॉर बी स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब पांच का स्क्वायर माइनस तीन का स्क्वायर, यानी इसको बी बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 15 माइनस 9, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 16, और इसका वैल्यू लिख सकते हैं हम 4। यानी अब हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनियस भी है। इसी प्रकार से दूसरे में एंगल कॉस भी है, कॉस बी बराबर अगर आपको 12/13 दे दिया गया है, यानी यह हो गया बी बाई एच। अब आपको पूछा जा रहा है कि पी क्या होगा, तो अंडर रूट लिख देते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यह लिखा जा सकता है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी फाइनली ये कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि 269 में से 144 घटाएंगे तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अब यहां पर देख लो टेन ए दे दिया गया, तो अब ये दे दिया गया टेन ए माइनस टेन बी 1 बाई टेन ए, और फिर दे दिया गया टेन बी। तो टेन ए का मतलब क्या हो गया दोस्तों, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब परपेंडिकुलर आपका है 3, तो इसको लिख सकते हैं 3, और बाई बेस, बेस कितना निकला 4, तो लिख सकते हैं 3/4। उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसके लिए कितना आया था 5 आया था, तो 5, और बाई बेस, बेस कितना है 12, तो इसको लिख सकते हैं हम 12। बाई में लिख सकते हैं 1 प्लस 3/4 और मल्टीप्लाई 5/12। बस इतना ही से आपका क्वेश्चन अब ये बन जाता है। कैसे बनेगा दोस्तों, तो दोनों का एलसीएम जो नीचे जो मल्टीप्लाई के रूप में, तो मल्टीप्लाई ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 12 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 48। 12 से डिवाइड कर, 4 से डिवाइड किया 48 में तो होता है 12, यानी ये हो गया 36, और 12 से डिवाइड करेंगे तो होता है 3, तो 5 तिहाई, 12 × 48 तो 5 होगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको आप हम लिख सकते हैं 20, यानी ये आपका क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 20, तो ये हो गया 20। अब नीचे हो गया कितना, 12 × 48, यानी ये 48 हो गया, और प्लस 5 × 15, और बाई में हो गया 48, 48 से 48 आप काट दो डायरेक्ट। अब 36 में से 20 घटेगा तो क्या हो गया दोस्तों, 16 हो गया, और 48 में अगर 15 को जोड़ देंगे तो क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया 63, यानी अब इस दोनों में कुछ कटने वाला नहीं है, यानी यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 16/63 जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन है
अब नया क्वेश्चन है हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि टेन ए माइनस साइन प्लस साइन ए बराबर पी है और टेन ए माइनस साइन ए बराबर क्यू दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ही, डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं टेन ए और प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको टेन ए माइनस साइन ए बराबर हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया पी बाई क्यू। अब पी बाई क्यू के रूप में जब आ गया है तो यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा टेन स्क्वायर ए और माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर क्या निकला, ये निकला पी बाई क्यू पी क्यू। अब इसमें से इन दोनों में से हम इसको थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और बाई में क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, माइनस इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम पी बाई पी इज टू क्यू, पी मल्टीप्लाई क्यू के रूप में। अब डायरेक्ट अगर हम यहां पर साइन स्क्वायर ए बाई अगर कॉस स्क्वायर ए कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी इसी को तोड़ रहे हैं, या बराबर पी क्यू लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। देयरफोर अब हमारे पास साइन स्क्वायर ए और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ये भी होता है साइन स्क्वायर ए और बाई में क्या हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, यानी ये हो गया पी क्यू। अब सभी पर स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाते हैं तो हमारे पास आता है अब यह साइन ए और बाई कॉस ए और मल्टीप्लाई इसको लिख सकते हैं साइन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी क्यू, यानी अब इसको लिख सकते हो टेन ए इंटू साइन ए बराबर क्या हो गया अंडर रूट पी क्यू लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है रूल हमारा क्या कहता है, तो रूल में आ जाइए, पहले अलजेब्रा का रूल कहता है कि ए प्लस बी का स्क्वायर है अगर उसमें से माइनस करें हम ए माइनस बी का स्क्वायर तो ये होता है फोर ए बी, मतलब ये फॉर्मूला हमारा कहता है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आप लिख सकते हैं टेन ए और प्लस इसको लिख सकते हैं साइन ए का स्क्वायर, जैसे यहां ए प्लस बी का स्क्वायर लिख दिया उसी तरह से माइनस इसको लिख सकते हैं टेन ए माइनस इसको लिख सकते हैं साइन ए का स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होगा फोर ए बी, ए का मतलब यहां पर है टेन थीटा यानी टेन ए और उसका बी का मतलब क्या है साइन ए, जो भी वैल्यू आपको दिया गया है वो वैल्यू डाल दो, इसका वैल्यू क्या है पी स्क्वायर है माइनस इसका वैल्यू क्या है क्यू स्क्वायर है और इज इक्वल टू फोर और टेन ए इंटू इसका वैल्यू क्या है अंडर रूट पी क्यू, यानी हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर, यानी बिल्कुल सेम है पी स्क्वायर माइनस की क्यू स्क्वायर और इज इक्वल टू फोर इंटू पी क्यू, यानी फोर हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसी प्रकार से जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि आपके पास फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लीजिए कि cos a प्लस बी अगर आपको दिया गया है दोस्तों तो इसका फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b और माइनस इसका होता है sin a और sin b, यानी इस तरह से हम अगर cos a cos b और माइनस sin a sin b दिया था तो इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी। तो अब यहां पर हमारे पास ये है a और ये है b, उसी तरह से ये हो गया a और ये क्या हो गया दोस्तों ये हो गया B. तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफोर इस वाले को फॉर्मूला को लिख सकते हैं, चलो क्वेश्चन ही पहले लिख लेते हैं, ये पाई बाई फोर माइनस थीटा लिख देते हैं हम, उसके बाद लिख देते हैं कॉस पाई बाई फोर माइनस फाइव, फिर उसके बाद माइनस है माइनस साइन में है पाई बाई फोर और माइनस थीटा और उसके बाद लिख दिया साइन पाई बाई फोर और माइनस। तो अब यह अगर a की जगह पर है ये पूरा b की जगह पर है, देयरफोर ये भी a की जगह है और ये भी b की जगह है, तो फॉर्मूला को फॉलो करेगा a प्लस बी हो जाना चाहिए, तो देयरफोर ये हो जाएगा cos पाई बाई फोर माइनस थीटा और प्लस पाई बाई फोर माइनस फाइव। तो अब इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा cos पाई बाई टू, यानी पाई बाई फोर और पाई बाई फोर दोनों को जोड़ेंगे तो ये होता है पाई बाई टू और इसमें थीटा प्लस फाइव लिख दें दोनों में कॉमन कर ले तो ये वैल्यू क्या होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन थीटा प्लस फाइव, यानी यहां पर लिख सकते हैं
कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा ये होता है आपका साइन थीटा. देयर फोर इसका आंसर क्या होगा, साइन थीटा प्लस फाइव आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा. इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया अगला क्वेश्चन कि किसी वृत्त के त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी यदि उनकी त्रिज्या और चाप जिनकी लंबाई इतना है के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है. तो सबसे पहले रूल पे आते हैं दोस्तों. हमारा रूल क्या कहता है कि अगर मान लो यह सेंटर है किसी सर्कल का, तो अब यहां से यह एंगल अगर थीटा रेडियन हो, डिग्री नहीं रेडियन मानना है, और इसकी लंबाई अगर चाप है, इसकी लंबाई अगर एल है, रेडियस अगर मान लो आर है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू होता है एल बाई आर रेडियन. मतलब पहले डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो अब यहां पर जो बोल रहा है कि जिसकी त्रिज्या और चाप जिसकी लंबाई कितना है 37.4, मतलब जो चाप है उसकी लंबाई है 37.4 है. तो अब यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके चाप की लंबाई है तो अब त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी. तो क्वेश्चन आ जाते हैं एल बराबर आपको दे दिया गया है 37.4. अब उसके बाद जो थीटा बराबर दे दिया गया वो है 60 डिग्री. हमें इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है. देयरफॉर इसको आप लिख सकते हो 60 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हो पाई बाय 180. पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है दोस्तों, ये रेडियन में कन्वर्ट होता है. पिछले वीडियो में मैंने बताया था 3 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या हो गया पाई बाय 3 रेडियन, यानी ये रेडियन हो गया दोस्तों. तो अब फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला पे आप डाल दो तो देयरफॉर हमारा ये हो गया 5/3 पाई बाय 3 इज इक्वल टू एल. एल का वैल्यू कितना है, इतना है 37.4 और बाई क्या है आर, ये रेडियन है और ये भी रेडियन था. तो इस हिसाब से हमारे पास ये हो गया 22/7 और गुने 3, क्योंकि 3 भी तो नीचे है. तो अब इसको लिखा जा सकता है 37/4 और बाई में 10 मल्टीप्लाई आर. अब इसे जैसे जैसे काटेगा हम इसको काट सकते हैं दोस्तों. कैसे कटेगा, तो अगर मान लो 2 से पहले काट लो तो 11 से कटेगा. 2 से ये काटेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, 8 दुना 16 7 दुना 14. क्या यह 11 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा. 11 एक 11 7 बच गया तो 11 से 77, तो 77 से कट गया. 10 ये जो है अब कटने वाला है नहीं तो छोड़ दो, नहीं काटते हैं. देयरफॉर आर का जो वैल्यू हो गया 17 और ये 21, तो 17 और 21 को आप मल्टीप्लाई कर दो तो 17 हो गया और मल्टीप्लाई 21 और बाई में ये 10 तो रहेगा ही, तो ये 10 रहेगा. 17 और 21 का मल्टीप्लाई कितना होता है दोस्तों, ये होता है 7, ये फिर हो जाएगा कितना, चलो यहां पर कर लेते हैं 17 और 21 का मल्टीप्लाई. तो ये 17 हो गया, 17 दुना 34 हो गया, तो 7 हो गया, ये 5 और 3, यानी इसको आप लिख सकते हैं 357 और डिवाइडेड बाई 10. देयरफॉर आपका रेडियस कितना हो गया दोस्तों, ये हुआ 35.7 सेंटीमीटर. ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन 3 जो हो गया वो आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर अब आने लगे हैं क्वेश्चंस, इसलिए इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे कि आने वाले समय में सीएचएसएल एग्जाम हो या फिर सीजीएल एग्जामिनेशन हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं.